शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियां सस्ती हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हो गई हैं। फराज रमजान की इस रिपोर्ट में देखिए। शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियों की कीमत कम हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हुई हैं। शहरियों का कहना था कि गाड़ी की कीमतें कम होना खुशाइन बात है। जो लोग कम पैसों में अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो अब खरीद सकते हैं। जो शहरी खुश हैं कि जिन गाड़ियों के रेट नीचे आने की वजह से, उनमें वो शहरी भी हैं जिन्होंने अपने जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके या तनख्वाहों में से पैसे सेव करके गाड़ियाँ खरीदी और आज उनकी गाड़ियाँ 20-20 लाख रुपया डाउन हो गई हैं। लेकिन फिर भी चलें, दुआ है कि अगर गाड़ियों के रेट नीचे आएंगे तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े कम पैसों में अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग अगर गाड़ियाँ लेने आते हैं तो गाड़ियों का रेट जो है वो पुरानी गाड़ियों का रेट वहीं खड़ा हुआ है, नई गाड़ियों का रेट जो है वो नीचे आ गया। अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गया कि हम कौन सी गाड़ी परचेज करें। शोरूम मालिक राना फहद अली शेर का कहना था कि जिन गाड़ियों की सेल नहीं होती उनकी कीमतें कम हुई हैं। गाड़ियों का काम ठप हो चुका है, लोग अभी इंतजार में हैं कि बाकी कंपनियां भी रेट कम करेंगी। कारोबार भी पहले बहुत स्लो था, अब लोगों के जहन में ये है, सब इस इंतजार में है कि होंडा भी अपनी कीमतें गिराएगी, करोला भी अपनी कीमतें गिराएगी, तो इसलिए अब मार्केट थोड़ी सी क्रैश तो हुई है मार्केट, लेकिन ये है कि अल्लाह करे बाकी कंपनियां भी ऐसे ही रेट कम करें तो वक्ती तौर पे तो नुकसान है ताजरों को, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर कारोबार का सर्कल चलेगा। शोरूम मालकान का कहना था कि कंपनियां गाड़ियों के रेट्स को मुस्तहकम करेंगी तो कारोबार में बेहतरी आएगी। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान।